दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ अंडर 100 रुपीज़ मेकअप शेयर करूंगी कि जिस जो मतलब प्रोडक्ट 100 रुपीज़ के अंदर आते हैं उनसे आप एक बहुत ही अच्छा और ग्लोई मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं मॉइस्चराइजर के लिए और प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पतंजलि का एलोवेरा जेल, जो अंडर 100 ही आता है, शायद 80-85 का आता है। तो आप वो कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इसे मैं अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज कर देगा और मेरे मेकअप को स्टे भी रखेगा। जिन लोगों की थोड़ी ड्राई स्किन होती है उन्हें मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करना चाहिए और हमेशा मॉइस्चराइजर मेकअप से पहले ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो। यहाँ मेरे पास फाउंडेशन के लिए दो ऑप्शन है। एक है ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन सेटिन फिनिश, मेरा शेड है 2। बहुत अच्छा फाउंडेशन है, अफोर्डेबल तो है ही और कवरेज भी अच्छी देता है, लो टू मीडियम कवरेज देता है। और एक ऑप्शन है परसोनी का मेकअप फाउंडेशन ग्लैम SPF 15 के साथ। ये ओनली 59 या 60 रुपीज़ का था, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू तो कमाल है। और ये दोनों ही मैंने कफ एंड लशेस से खरीदे हैं, निधि कत्यार की साइट है ये, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल मेकअप मिल जाता है। यहाँ मैं यूज़ करूँगी ओलिविया का लिक्विड फाउंडेशन सेटिन फिनिश, बहुत ही थोड़ा सा लूँगी मैं फिंगर की हेल्प से इसे डॉट डॉट करके। आप हमेशा फाउंडेशन याद रखिए कि डॉट डॉट करके ही लगाएं, इससे प्रोडक्ट आपके पूरे फेस पे इवनली स्प्रेड होता है और नेक एरिया को बिल्कुल ना भूलें। और एक डैम स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूंगी। हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को डैब डैब करके ही इस्तेमाल करें। ईयर नेक सब पर अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड करें, जिससे आपके फेस का और नेक का रंग अलग अलग ना दिखे। आप अच्छी कवरेज के लिए एक बार और इसको एक लेयर और लगा सकते हैं, लेकिन मेरे को इतनी ही कवरेज चाहिए, ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, तो मैं इसको इतना ही लगाऊंगी। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। कंसीलर के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ NYBAE की कंसीलर स्टिक, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और ये आपको हमेशा पर्पल पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है, तो ये आपको अंडर 75, 95, 80 इस तरह से मिल जाती है। और एज आप इसे पूरा फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंसीलर भी। तो यहाँ मैं इसे ऐसा कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी आईज में। और सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ मैं आपको बहुत ही डेली मेकअप यूज़ करना बता रही हूँ, जिसमें ज़्यादा हम तामझाम नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा वो नहीं करते हैं। आप देखिए मेरी आईज अच्छे से कंसील हो गई हैं। और पाउडर के लिए ले रही हूँ मैं, इस पाउडर के लिए बनाना पाउडर, मेरी जो बनाना पाउडर की बोतल आती है वो टूट गई थी, तो मैंने वो पाउडर सारा इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये भी आपको अंडर 100 मिल जाता है और इसकी फिनिश येलो टोन में होता है तो काफ़ी अच्छी आती है। इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से बहुत ही हल्का हल्का, क्योंकि विंटर है तो ज़्यादा आपको पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही हल्का हल्का मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी। अपने फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो क्रीज कर जाता है।
मैंने अपना फेस अच्छे से सेट कर लिया है। आईब्रो के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी लैक्मे की, लैक्मे की आईब्रो पेंसिल। ये थोड़ा ब्लैक शेड में है, ये अंडर आपको 65 रुपीज़ मिल जाती है। यहाँ 65 में ही मंगाई थी मैंने, तो मैं इसे बहुत ही हल्का यूज़ करूँगी क्योंकि ये थोड़ी ब्लैक है। स्पूली की हेल्प से प्रोडक्ट को इवन आउट कर लूंगी। आई शेडो के लिए मैं यहाँ यूज़ करूंगी अपना ये स्पिफील का पैलेट। ये मुझे अंडर 100 ही मिल गया था एक साइड से। और आपको आई शेडो के लिए ADS के और ज़्यादातर ADS के पैलेट अंडर 100 मिल जाते हैं, तो आप उन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। उनके शेड्स अच्छे आते हैं, बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल होती है। तो यहाँ मैं बहुत ही सिंपल लुक रखूँगी और ट्रांजिशन से शेड के लिए ये वाला शेड यूज़ करूँगी। अनदर ब्रश की हेल्प से मैं ये वाला शेड पिक करूंगी। और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रह जाए। और ये गोल्डन शेड में अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी आईलिड पर अप्लाई करूंगी। इतना ही करूंगी। और लाइनर के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का ब्लू आईलाइनर। ये मुझे अराउंड 59 एंड 65 अराउंड मिल गया था, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। यहाँ मैंने अपना आईलाइनर लगा लिया है और यहाँ मैंने थोड़ा सा और इस करके विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है। और काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी NYB का द बिग एप्पल आईलाइनर। आई माय आई काजल, दिस इज़ माय फेवरेट काजल। ये 65.5 अराउंड इसी में का ही है। इसे मैं अपनी इनर कॉर्नर में ही लगाऊंगी क्योंकि मैं काजल अपनी खाली इनर में आउटर कॉर्नर में लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये आई लुक कंप्लीट हो चुका है। और ब्लश के लिए मैं अपनी ADS की ये स्टिक है, इसको यूज़ करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सभी प्रोडक्ट हों तभी आप एक अच्छा मेकअप कर सकें। आप लिपस्टिक को यूज़ करके भी पूरा आई मेकअप और अच्छा सा ग्लोई मेकअप कर सकते हैं। देखिए, और आपको थोड़ा सा लगे तो इसको ब्लेंड कर लीजिए ब्रश की हेल्प से। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी ADS की लिप ग्लॉस। ये 100 की है और बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, स्टे करती है और ड्राई मैट है।
ये मेरे हाई पैलेट में ही हाईलाइटर शेड हैं तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल करूँगी, तो ये भी अंडर 100 ही आ जाएंगे। ये देखिए एक पिंक शेड है और एक गोल्डन शेड है, तो मैं उनको मिक्स करके हाईलाइटिंग करूँगी। अपनी हाईलाइटेड एरिया को हाईलाइट कर। एंड दिस इज माय फाइनल लुक। तो आप इस मेकअप को, ये नहीं है कि आप कहीं, आप किसी शादी पार्टी कहीं भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे लगेंगे आप। तो बाय बाय।